सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। दिलकश डेली ब्लॉग में है आपका इस्तकबाल। फ्रेंड, आपने अचार तो बहुत तरह का खाया होगा, आम का, मिर्ची का, नींबू का और मिक्स अचार, हर तरह का अचार खाया होगा। लेकिन आज मैं जो आपको अचार की रेसिपी देने वाली हूँ, इस तरह का अचार ना आपने कभी खाया होगा और ना ही आपने कभी बनाया होगा। तो ऐसा अचार आपको कहाँ मिलेगा? दिलकश डेली ब्लॉग में मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि मैं कौन सा बिल्कुल डिफरेंट अचार आपको सिखाऊँगी आज। तो फ्रेंड, यहाँ मैं वही अपना पारंपरिक बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ, मिट्टी का बर्तन। मैं इसी में बनाऊंगी अचार को। तो जब तक ये गर्म हो रहा है, तो फ्रेंड हमारा बर्तन बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल थोड़ा ज्यादा डालेंगे क्योंकि ये अचार है, तो अचार में थोड़ा तेल ज्यादा पड़ता है। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी कुछ खड़े मसाले, कलौंजी, सौंफ, जीरा और धनिया। ये सारी चीज़ें एक एक चम्मच है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल में मसाले को डालने के बाद लगातार चला देना है ताकि कि जो नीचे मसाला है वो चिपक ना जाए और जल ना जाए। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च। यहाँ 6 से 8 मैंने हरी मिर्च ली हुई है और लहसुन लिया हुआ है। कम से कम 10 से 12 मैंने लहसुन लिया हुआ है। लहसुन और मिर्ची को मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दूंगी मीडियम आंच पर, चाहे लो आंच पर आप फ्राई कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी फ्रेंड आलू। जी हाँ, मैं आलू का अचार बनाने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारा आलू, क्योंकि आज मैं आलू ही का अचार सिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ प्याज और लहसुन अच्छे से हो गए हैं। अब इसमें मैं आलू डालूंगी। ये बहुत झटपट बनने वाला अचार है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत फटाफट से अचार बन जाएगा। और ये अचार आपको स्टोर करना है, सिर्फ आप इसे फ्रीज में रख के स्टोर कर दीजिएगा और आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा नहीं बनाना। सिर्फ 1 हफ्ते का बनाइएगा, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं बनाइएगा, क्योंकि हमें इसमें फ्रीज में रखना है और हम घर की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, कोई भी चीज़ बाहर की नहीं डालेंगे। तो 1 हफ्ता काफ़ी है इसके लिए। आलू को हमें करीब 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पे पकाना है ताकि कि आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसमें मिलाएंगे जो हमें मसाले डालने हैं। 2 से 3 मिनट हो चुका है, मुझे आलू को धीमी आंच पे रखे हुए। अब मुझे इसे चेक कर लेना है फोक की मदद से ताकि कि देख लूं कि आलू गल गया है या नहीं गला है। तो यहाँ देखिए आलू अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसमें मुझे मिलाना है मसाला। यहाँ मैं अपने घर का ही मसाला सब डालूंगी। यहाँ मैंने लिया हुआ है हल्दी करीब 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, आमचूर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच के करीब चीनी। इसे डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट बचा हुआ है, जो सबसे लास्ट में मुझे डालना है, लेकिन पहले इस मसाले के साथ मैं आलू को थोड़ा सा भून लूंगी ताकि अब इसे मुझे लो फ्लेम पे ढक्कन से कवर करके 1 मिनट से 2 मिनट के लिए रखना है। तो फ्रेंड, यहाँ 1 मिनट कंप्लीट होता है मुझे मसाले को डाले हुए आलू में। और अब मुझे डालना है इसमें नींबू। मैंने आमचूर पाउडर भी यूज़ किया है और नींबू यूज़ करूँगी। इसमें मैं 2 नींबू डालूंगी, 2 नींबू का रस मुझे डालना है इसमें। तो फ्रेंड, आपने अचार तो बहुत तरह का सुना होगा, बहुत तरह का खाया होगा, लेकिन आलू का अचार मुझे नहीं लगता कि आपने कभी सुना होगा या कभी खाया होगा। तो यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल यूनिक नई नई रेसिपी सिखाऊंगी जिसे आप खाकर भी खुश होंगे और मुझे याद करेंगे ज़रूर। तो फ्रेंड, मसाला अच्छे से भून चुका है और यहाँ मैंने नींबू का रस निकाल लिया हुआ है। यहाँ मैंने 2 नींबू का रस लिया हुआ है और मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया ताकि कि इसमें कुछ भी रहे ना। मुझे करीब 1/2 मिनट उसको पकाना है ताकि कि नींबू का रस इसमें अच्छे से मिल जाए। और ये अचार आपको थोड़ा सा खट मीठा लगेगा क्योंकि इसमें मैंने नींबू भी डाला है और चीनी भी डाली है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा खट मीठा आएगा। आप खाएंगे तो आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, या कुछ कोई भी चीज़ आप इसके साथ खा सकते हैं आराम से। यहाँ हमारा रेडी हो चुका है आलू का अचार।
आधा मिनट हो चुका है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अचार हमारा रेडी है, हम इसे इंस्टेंट भी खा सकते हैं और इसे हम फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं। इस अचार को बनाने के लिए फ्रेंड आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मत बनाइएगा, सिर्फ एक हफ्ता बनाइएगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी तरह की बाहर की केमिकल चीज़ें नहीं डाली हुई हैं, तो इसलिए आप इसको सिर्फ। तो फ्रेंड यहाँ हमारा अचार बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। ये गर्मा गर्म अचार आप तुरंत खा सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरी रेसिपी आपको फ़ौरन मिल जाए। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।